माननीय शिक्षा मंत्री जी से मैं ये निवेदन करता हूँ NBC 24 के चैनल के माध्यम से कम एक शेड्यूल तो आप दे ही दीजिए। जो बच्चे इतना ज्यादा परेशान हो गए हैं, इनकी भी परेशानियों को समझिए। ये बच्चे कोई अडानी अबानी घर के नहीं है, बच्चे 17 दिन से बैठे पड़े हैं, बार बार आंदोलन। बताइए कैसा बिहार आपका है, कैसा आपका बिहार है कि यहाँ पे शिक्षक के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है, पढ़ाई के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है, इतना ज्यादा डिग्री लेने के बाद फिर रोड पे बैठना पड़ रहा है। सर मानी चाहिए हमें इस बिहार की शिक्षा पे। एक सोनू आपको नजर आ गया नालंदा वाला, और ऐसे हजारों सोनू गरीब के घरों में पढ़ रहे हैं जिनको IAS IPS बनने का शौक है, ठीक है। तो आपको यह चाहेंगे सर कि समान जो है शिक्षा सबको अवसर दिया जाए। आंदोलन हो रहा है 17 दिन से, तो 17 दिन का आंदोलन किसी मांग के लिए कम नहीं होता है। हम अपने हक की लड़ाई मांग रहे हैं, हम कोई मतलब जबरन नहीं मांग रहे हैं, हमने सारी आवश्यकताएं पूरी की है। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज। देखिए गर्दनीबाग धरना स्थल पे, और यहाँ पे सीटेड विटेड अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन जारी है। देखिए 17 दिन हो गए हैं, 17 दिन से ये अभ्यर्थी गर्दनीबाग धरना स्थल पे डटे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाता है सरकार के कान तक जू नहीं रेंग रहा है। देखिए ये अभ्यर्थी लगातार यह गुहार लगा रहे सरकार से, 7वें चरण का नोटिफिकेशन सरकार जल्द से जल्द जारी करे, लेकिन सरकार जो है इन अभ्यर्थियों की एक नहीं सुन रही है। देखिए सीटेड विटेड के तमाम अभ्यर्थी गर्दनीबाग धरना स्थल पे बैठ गए हैं। हमारे साथ उत्तम जी है, उत्तम जी से बात करेंगे। उत्तम जी, 17 दिन हो गए हैं, 17वां दिन है, आप लोग बैठे हैं, क्या कहिएगा? सर हम यही कहना चाहते हैं कि विगत इतने दिनों से शिक्षा मंत्री को थोड़ा सा भी शर्म नाम का चीज नहीं बचा है। अगर शिक्षा को बचाना चाहते हैं तो कम से कम वो शेड्यूल तो अविलंब अब जारी कर दें। अगर शेड्यूल नहीं जारी करते हैं तो बिल्कुल ये सघन अपराध आप कर रहे हैं। लाखों बच्चे का भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी कदाचित उचित नहीं है। सर कम से कम एक तो आप दे ही सकते ना शेड्यूल का डेट, हमें कब करना है? ये लोग अंधकार में है। आप विगत 3 वर्षों से बार बार यही चीज बोल रहे हैं, हम कर देंगे, जनवरी में करेंगे, तुरंत कर देंगे, शीघ्र कर देंगे, जल्दी कर देंगे। ये कब आएगा शीघ्र जल्दी और तुरंत, है ना? इतना सालों तक शीघ्र जल्दी और तुरंत जो चलता रहेगा, ये आपका कब तक चलता रहेगा? ये शीघ्र जल्दी और तुरंत का खेल पूरी जिंदगी भर चलता रहेगा क्या? और ये कदाचित उचित नहीं है। इसलिए माननीय शिक्षा मंत्री जी से मैं ये निवेदन करता हूँ NBC 24 के चैनल के माध्यम से कम एक शेड्यूल तो आप दे ही दीजिए। जो बच्चे इतना ज्यादा परेशान हो गए हैं, इनकी भी परेशानियों को समझिए। ये बच्चे कोई अडानी अबानी घर के नहीं है, ये बच्चे पढ़ लिख करके इतना ज्यादा मतलब सब चीज 1-2 लाख 5 लाख रुपए खर्च करके आए हैं, और उसके बाद भी ये लोग रोड पे हैं। और जब शिक्षक ही रोड पे हो तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था कितनी गर्त में है, ये तो खुद समझने की चीज है। जब शिक्षक अभ्यर्थी खुद भूखा हो तो बताइए कि ये कैसा मतलब ये कैसा आपका बिहार है? एक सोनू आपको नजर आ गया जबकि लाखों सोनू पड़े हैं और उनको कोई शिक्षक नहीं मिल पा रहा है। आप कहां सोए हैं श्रीमान? लगातार दीपक सर का भी सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है, उनसे जब सवाल किया जाता है तो उसका जवाब नहीं दे पाते। बिल्कुल सर, वही चीज तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक सोनू आपको नजर आ गया, और इस सोनू को नजर आने पर आपको समझ में आ गया, मगर लाखों जो सोनू आपको नजर आ पा रहा है ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये जो लाखों सोनू नजर आ रहे हैं उनको भी तो देखिए, उनको शिक्षा व्यवस्था का कैसे करवाइएगा आप? उनको शिक्षा व्यवस्था को कैसे आप ठीक करवाइएगा? इसलिए हम माननीय शिक्षा मंत्री जी से ये कहना चाहते हैं कि किसी भी हालत में कम से कम 7वें चरण प्राथमिक विज्ञप्ति के लिए आप विलंब शेड्यूल तो जारी कर दीजिए। ये बच्चे 17 दिन से बैठे पड़े हैं, बार बार आंदोलन। बताइए कैसा बिहार आपका है, कैसा आपका बिहार है कि यहाँ पे शिक्षक के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है, पढ़ाई के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है, इतना ज्यादा डिग्री लेने के बाद फिर रोड पे बैठना पड़ रहा है। सर मानी चाहिए हमें इस बिहार की शिक्षा पे। हमें तो बिल्कुल भी ये बिहार की शिक्षा व्यवस्था पे हम कह नहीं सकते, निःशब्द हैं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी को अविलंब संज्ञान लेना चाहिए। नाम बताइए रोजगार के लिए। मेरा नाम प्रेम शंकर है, विद्यालय में जिला शिक्षक की कमी है, उस शिक्षक की कमी को पूर्ति करने के लिए लगातार बिहार के मुख्यमंत्री यह कह रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, उद्योग लगा रहे हैं, उद्योग लग रहा है बिहार। नहीं सर, समाज का बच्चा है, सरकार एकदम जुमलेबाजी है सर, जुमला पे जुमला करते जा रही है सर। तरफ से हमारे समाज के नागरिक मार खा रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगा कि 7वां चरण
अभियान का प्राथमिक विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी करें। शिक्षा मंत्री आश्वासन से सर कुछ नहीं होने वाला सर, हम लोग को विज्ञप्ति चाहिए। अभिनंदन करते हैं और मैं दिव्यांशु पुनीत मिश्रा गया से हूँ। गया से आप भी आए हैं जी, 17 दिन से बैठे, विगत 17 दिनों से हम लोग प्रतीक्षारत हैं कि आखिर हमारी सातवां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति जारी होगी, लेकिन सरकार का जुमलेबाजी जो लगातार हम लोग को एज ए अभ्यर्थी विगत 3 वर्षों से मिल रहा है, जो देते आ रहा है, लेकिन इस बार सरकार के गुमराह करने पर हम लोग उनके चाल में आने वाले नहीं है। अब पटना के इस गर्दनी वाला स्थान से हम लोग विज्ञप्ति लेने के बाद ही आप लौटेंगे। आप लड़ रहे हैं जी, मैं गया से हूँ, मेरा नाम शिव प्रकाश कुमार है। निश्चित तौर पर आपको अनुभव दिया होगा। मैं शिक्षा मंत्री जी से ही कहना चाहता हूँ कि विगत 17 दिनों से जो हम लोग का प्रोटेस्ट चल रहा है और आप बिल्कुल नजरअंदाज कर जा रहे हैं, आपसे कहेंगे महोदय कि अब तो हम लोग अभ्यर्थियों का सुन लीजिए। पिछले आप अक्टूबर नवम्बर दिसंबर जनवरी करते करते आपने मई ला दिया, फिर भी आपने अधिसूचना जारी नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये हम स्टूडेंट चेतावनी दे रहे हैं सर कि अगर जब तक नोटिफिकेशन नहीं दीजिएगा, जब तक एक गर्दनी बाग से प्राथमिक शिक्षक के अभ्यर्थी यहां से लौट कर नहीं जाएंगे, यह मेरा खुला चेतावनी है शिक्षा मंत्री से कि आपको लड़का का शादी हो रहा है सर, यहां पे 1,30,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको शादी नहीं हो रहा है, क्योंकि चाह रहे हैं कि जब रोजगार में आ जाए उसके बाद ही शादी करें केवल। और हम कहना चाहते हैं शिक्षा मंत्री से कि एक सोनू आपको नजर आ गया नालंदा वाला, और ऐसे हजारों सोनू गरीब के घरों में पड़ रहे हैं जिनको IAS IPS बनने का शौक है, ठीक है, तो आपको यह चाहेंगे सर कि समान जो है शिक्षा सबको अवसर दिया जाए ताकि प्रत्येक विद्यालय में एक योग्यता वाले शिक्षक जाए, और वैसे कोई भी सोनू सवाल ना करे कि हमको शिक्षक जो है पढ़ाते नहीं है। आपसे यह उम्मीद करते हैं सर कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करें। धन्यवाद। 17 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, पहले बीते दिनों आप लोगों ने सचिवालय के पास प्रदर्शन किया था, लाठी चार्ज भी हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं जो बहाली है वो नहीं हो रही है, क्या कहिएगा? ये शिक्षा मंत्री की थोड़ी सी मतलब मेंटेलिटी और गलत सोच और शिक्षा नीति के गलत सोच के कारण पड़ा हुआ है। शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री लोग भ्रष्ट हो गए हैं, उनके भ्रष्टाचार को मिटाना होगा। इसके लिए मतलब क्या करना होगा उसको सारा चीज, मतलब अगर ये आंदोलन हो रहा है 17 दिन से, तो 17 दिन का आंदोलन किसी मांग के लिए कम नहीं होता है। हम अपने हक की लड़ाई मांग रहे हैं, हम कोई मतलब जबरन नहीं मांग रहे हैं, हमने सारी अहर्ताएं पूरी की है। शिक्षक के लिए जो अहर्ताएं होती है, सारी अहर्ताएं करने के बाद पिछले 3 साल से, 3 साल एक बहुत बड़ा समय होता है, 3 साल से लगातार लड़ रहे हैं, लगातार शिक्षा विभाग और शिक्षा सचिवालय को अल्टीमेटम देते आ रहे हैं, अपनी सूचना देते आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी पता नहीं, ये शिक्षा मंत्री जी राजनीतिकरण करना चाह रहे हैं इस शिक्षा का। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि शिक्षा को अगर देश की विकास चाहिए, बिहार के विकास चाहिए, तो शिक्षा का राजनीतिकरण करना छोड़ दीजिए और नोटिफिकेशन दीजिए। आप कहते हैं पिछला 3 साल में 42,000 शिक्षक की भर्ती किए हैं, आप कह रहे हैं कि हम शिक्षकों की बहाली किए हैं, बहुत बहाली नहीं किए हैं 3 साल में, अभी 70 विद्यार्थी पे एक शिक्षक है, आपके पास 3 लाख समथिंग सीट खाली है, केवल आपके गलत नीति के कारण हम लोग रोड पे हैं। शिक्षा मंत्री आश्वासन दे रहे हैं लेकिन बहाली जो है वो नहीं होती। बिहार के मुख्यमंत्री यह कहते हैं हम उद्योग लगा रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। देखिए बिहार के मुख्यमंत्री वास्तव में अच्छे काम किए हैं, रोड का काम किए हैं, अच्छा नाला का काम किए हैं, लेकिन उसी रोड पर शिक्षकों को लाके खड़ा कर दिए हैं। हमने 1-2 आंदोलन नहीं किया सर, गिनती कीजिएगा तो आंदोलन की संख्या ज्यादा है, गिनती की संख्या कम है। अगर वास्तव में सर्व शिक्षा अभियान चाहते हैं, वास्तव में एक सुदृढ़ शिक्षा चाहते हैं, तो आपको शिक्षकों की नियोजन करनी होगी और इसको यथाशीघ्र करनी होगी, क्योंकि यही शिक्षा है जो बिहार का IPS और IAS देता है। तो इस शिक्षा को आप मजबूत बनाइए और शिक्षकों की नियुक्ति जल्द से जल्द कीजिए। बिहार के मुख्यमंत्री लगातार काम कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो रोड बनाते हैं लेकिन उसी रोड पर इन शिक्षकों को बैठा देते हैं। देखिए ये जो शिक्षक अभ्यर्थी है वो काफी परेशान है, 3 साल से परेशान चल रहे हैं, 3 साल से दर दर भटक रहे हैं और लगातार यह गुहार लगा रहे हैं कि 7वें चरण का सरकार नोटिफिकेशन जारी करे, लेकिन सरकार के कान तक जू नहीं रेंग रहा है। सरकार लगातार यह दावा कर रही है कि हम रोजगार दे रहे हैं, कहीं ना कहीं यह बड़ा सवाल है, रोजगार सरकार दे रही है तो कहां दे रही है? ये सीटेट के वही अभ्यर्थी
में जो 3 साल पहले पास कर गए, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो गर्दनी बाग धरना स्थल पे ऐसे ही बैठते हैं, प्रदर्शन करते हैं, सचिवालय के बाहर प्रदर्शन करते हैं, तो लाठी खाते हैं। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि सातवें चरण का नोटिफिकेशन कब तक जारी होता है और इन अभ्यर्थियों की पाली कब तक होती है। तमाम सीटेड बीटेड के अभ्यर्थियों को आपने सुना है क्या कुछ कहना था, और तमाम खबरों के लिए बन रहे हैं NBC 24 न्यूज के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।